हेलो दोस्तों, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सिम्युलेटेड प्रेफरेंसेस जारी कर दिया। आप जाओ सीएसएस पोर्टल पर लॉगिन करो, वहां पर आप इस लिस्ट को देख सकते हो। आप अपना प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट, और साथ साथ आप अपनी रैंक भी देख सकते हो। बहुत से बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि यार उनकी रैंक बहुत ज्यादा बता रहा है, 70,000 रैंक है, किसी की 80,000, किसी 90,000 रैंक, किसी की 1,00,000 रैंक, ऐसे करके बता रहा है। सो इस केस में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, आपको अकॉर्डिंग टू दी प्रेफरेंसेस आप अपना प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इनेबल कर दिया है वो प्रेफरेंस वाला टैब। तो आप चाहो तो आप अपनी प्रेफरेंस कॉलेज की चेंज कर सकते हो। सेकंड थिंग, आप क्या कर सकते हो, जैसे कि मैंने टेलीग्राम पर एक पीडीएफ अपलोड किया जहां पर मैंने आपको बताया है कि किस कॉलेज के लिए किस कोर्स में कितनी नंबर ऑफ सीट पर फाइट होगी। मतलब अगर मैं बात करूं रामजस कॉलेज के लिए, तो रामजस कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंस कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है बीकॉम प्रोग्राम के लिए, और कितने नंबर ऑफ पीपल विल फाइट फॉर अ वन सीट, तो वहां से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो। थर्ड चीज आप क्या कर सकते हो, यू मस्ट हैव अ बैकअप ऑप्शन। ये मैं आपसे पहले ही बोलकर चल रहा हूँ कि आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ही अगर आपका ड्रीम है, तो यार स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL के एडमिशन ऑलरेडी चालू हैं। जाओ जाकर कर दो। मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज जैसे BBA, FIA, BMS, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, इन सब में आप एडमिशन ले सकते हो। तो जाओ फटाफट यार वहां भी अपनी एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट कर दो, और एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी में मैंने आपसे पहले ही बोला था अप्लाई करने के लिए। सो दीज मस्ट बी दी बैकअप ऑप्शन यू मस्ट हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि कुछ नहीं पता दिल्ली यूनिवर्सिटी का कि आपका एडमिशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर रैंक बहुत ज्यादा है सो इट इज नॉट पॉसिबल टू से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि यू विल बी सेलेक्टेड फॉर द दिल्ली यूनिवर्सिटी और नॉट। थैंक यू वेरी मच गाइस।